हेलो गाइस नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केमन आछो सबाई। तो फिलहाल मैं घूमने निकल पड़ी और फिर से इस चाय के दुकान पर चली आई हूँ और ये मैं अभी चाय पी रही हूँ। तो आप लोगों के साथ एक खुशियाँ शेयर करनी है, मैं कहीं जा रही हूँ और मैं बहुत एक्साइट हूँ वहाँ जाने के लिए। गांव में जा रही हूँ, एक फ्रेंड का शादी का डेट फिक्स हो रहा है तो इसीलिए मैं गांव जा रही हूँ कल। तो वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे चाय पीते हैं और उसके बाद शॉपिंग भी करना है, उसके लिए थोड़ा शॉपिंग करना है और शॉपिंग करके फिर घर भी जाना है, जल्दी से पैकिंग भी करना है क्योंकि कल सुबह तो हम जाएंगे उसके घर। तो बहुत एक्साइटमेंट है हमें। तो गाइस अच्छे पहले चाय पी रहे थे और अचानक से तूफान उठ गई है। देखो बाहर बहुत हवा दे रही है, तो चाय की दुकान के अंदर चली आई हूँ। तो थोड़ा रुकते हैं, देखते हैं। गाइस कल तो जा रहे हैं, आप लोगों को बोला तो अभी ले लिया यहाँ पे थोड़ा सामान जो कि कल देना है मुझे। तो अभी यहाँ से खरीदारी करते हैं थोड़ा, फिर यहाँ से निकलते हैं। आपको मैंने बोला कि अचानक से तूफान उठ गई थी तो जल्दी से घर चले आए और थोड़ा भीग भी गए, थोड़ा ही बारिश हुआ, अभी आधा घंटा थोड़ा बारिश हुआ तो अच्छा ही है। अभी थोड़ा वेदर ठंडा ठंडा लग रहा है तो भीग गया हूँ, तो जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और चेंज करने के बाद पैकिंग भी करना है मुझे क्योंकि कल सुबह सुबह जल्दी निकलना है। तो फ्रेश होने के बाद पैकिंग करूँगी थोड़ा सा। तो गाइस कल बहुत काम भी था और टायर्ड भी हो चुके थे तो ब्लॉग और कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी हम जा रहे हैं हावड़ा स्टेशन, वहाँ से हम ट्रेन पकड़ के उसके गांव जाएंगे। आई एम फुल्ली एक्साइटेड, तो चलो चलते हैं अभी हावड़ा स्टेशन। अभी थोड़ा यहाँ से चाय पी लेते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे टिकट लेने। तो गाइस देखो हावड़ा स्टेशन पहुँच गए और हावड़ा स्टेशन में मैं जब भी आती हूँ बहुत भीड़ रहता है यहाँ पे। देखो चारों तरफ बहुत भीड़ है, अभी सुबह के टाइम में फिर भी इतना भीड़ है। यहाँ पे लोकल पैसेंजर का हम ट्रेन ले रहे हैं अभी। पेप्सी खाते हैं, पेप्सी में क्या है ये, पेप्सी बोलते हैं हम लोग। घर से तो बहुत सुबह सुबह निकले थे तो तो इसलिए अभी ले रही हूँ भेलपूरी। भेलपूरी थोड़ा सा खा रही हूँ और लोकल ट्रेन में जाने का ही मज़ा है। तो कोई आते खाना वाना लेके तो ऐसे थोड़ा सा ले लेते हैं हम भी, तो अच्छा लगता है खाना खाने में भी लोकल ट्रेन में बैठ के। बहुत दिन बाद मैंने अभी लोकल ट्रेन में जा रही हूँ। आप लोग वेट करो, मैं दिखाऊंगी यहाँ का जो गांव का एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। तो वो जितना मैं
यहाँ पे मजा करूंगी, सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आप सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। टाटा बाय बाय।